YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला आप सभी का स्वागत है फिर से नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 10 बजे से, और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खूबसूरत जगह से। और आज हम लोग जा रहे हैं पूर्णागिरी मंदिर। तो अभी हम लोग पहुँचे टनकपुर में, और ये देखिए पीछे साइड में मेरे मंदिर भी है यहाँ पर। अभी हम लोग टनकपुर में पहुँचे हैं। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं पूर्णागिरी को, साथ में है यूवी, मैं और यूवी के पापा। हम लोग जा रहे हैं बाइक से, यूवी के बाल कटवाने जा रहे हैं आज। तो अभी हम लोग टनकपुर में रुके हुए हैं। अभी आगे को टनकपुर जो पूर्णागिरी का गेट स्टार्ट होता है जो टनकपुर से, तो उससे थोड़े आगे रुके हुए हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग निकलते हैं आगे को, और आप लोग भी बने रहे ब्लॉग में। अब निकलते हैं, जय माता की। गाइज अभी हम लोग पहुँचे हैं आधे रास्ते में। अभी हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे, धूप आई है क्योंकि चढ़ाई है यहाँ को, तो बहुत ठंडा भी हो रहा है और हवा भी चल रही है बहुत तेज। और यूवी ना सो गया था, तो अभी उठ गया है यूवी ना, उठ गया ना, तो थक गया है ये क्योंकि बाइक में आए थे, तो इसको ठंडा भी लग रहा है थोड़ा। तो हमने सोचा अभी थोड़ा धूप सेक लेते हैं, अभी चलते हैं, थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं। तो गाइज अभी हमने जाना है उस वाली चोटी में, वो पीछे उस चोटी में जाना है, देखो वहाँ है पूर्णागिरी मंदिर। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। आज हमने जाना है उस वाले टॉप में, वो देखो उस वाले टॉप में जाना है, वहाँ पे है मंदिर। तो हम लोग अभी वहाँ पे जाएंगे, अभी इधर से जाएंगे। हमने यहाँ गाड़ी खड़ी करी हुई है, ये है रास्ता यहाँ का, और चढ़ाई भी बहुत है यहाँ को। तो गाइज अभी इधर से घूमते हुए जाना है हमने, और आगे को तो पैदल है, और इस वाले टॉप में है मंदिर। ये देखो गाइस इतनी ऊंचाई में है। तो अभी हम लोग यहाँ जाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो गाइस देखो यहाँ पर गाड़ियाँ भी जा रही हैं, ये देखो पूर्णागिरी मंदिर वाले, और बाइक से भी जा रहे हैं। और यहाँ है नीचे नदी, तो यहाँ पे तो अभी पेड़ हैं, झाड़ी है, यहाँ तो इधर से नहीं दिख रही है अभी नदी। और हम लोग निकलते हैं। ये देखो गाइस ये बाइक से भी जा रहे हैं सभी लोग, तो हम भी अब निकलते हैं यहाँ से, उसके बाद मिलते हैं आपसे। देखो ये गाय बच्चियाँ भी, यहाँ भी इतनी सारी गाय बच्ची हैं, और आगे जा रहे हैं यूवी और उसके पापा। यूवी गोदी में है, और गाइस और लोग तो पूजा पाठ करके आ गए हैं। देखो आ रहे हैं जा रहे हैं सभी लोग, ये देखो। हाँ डॉगी भी आया ना। हाँ ये देखो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से पैदल, और यहाँ से भी आते होंगे पैदल, यहाँ को भी रास्ता जाता है। देखो गाइस जो लोग पैदल आते हैं, अभी हम लोगों को उधर चोटी में जाना है उतने ऊपर। जय आ रही हूँ रे बाबा। ये देखो गाइस हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी है, और अब हम लोग जाने लग गए हैं यहाँ से पैदल। और ये देखो हमने यहाँ से माता का चढ़ावा भी ले लिया है, तो अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से पैदल पैदल। और ना धूप भी लगी हुई है यहाँ, तो अच्छा हो रहा है, गाड़ी में ही ठंडा हो रहा था, लेकिन अभी तो नहीं हो रहा है ठंडा। और सामने में से धूप भी लग रही है आगे से, और अभी उतनी गर्मी भी नहीं लग रही है, और ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो रहा है, सही हो रहा है यहाँ पे मौसम। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से पैदल पैदल आगे को, और आप लोग भी बने रहना, आप लोगों भी कराते हैं दर्शन माता के। तो गाइस हम चलते हैं अब आगे को, और यहाँ पर देखिए दुकानें भी लगी हुई है। आजकल तो वैसे मेले का टाइम नहीं है, तो इसलिए भीड़ भी कम ही रहती है यहाँ पे। अब जैसे जैसे ना
अब ये ठंड ख़त्म होगी, उसके बाद गर्मी के सीजन से मार्च से यहाँ पे मेला भी स्टार्ट हो जाता है, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती है, इतनी भीड़ हो जाती है। आजकल तो खाली खाली है, और बन रहे भी हैं नए नए मकान बन रहे हैं यहाँ पे, दुकानों की तैयारियाँ भी हो रही हैं। तो अब हम लोग चलते हैं आगे को, देखो गेट यहाँ से स्टार्ट हो गया है मंदिर, और यहाँ पे गाड़ी पार्किंग कर रहे हैं सब लोग। हम लोगों ने तो बहुत दूर रखी थी गाड़ी, हम लोग यहाँ कम से कम 1 किलोमीटर और पैदल आ गए हैं आगे को, क्योंकि हमें पता नहीं था ना, हमने सोचा गाड़ी उधर ही पार्क करते हैं, क्योंकि हमसे बोला कि यहीं रख दो, तो हमने उधर ही रख दिया था। और यहाँ पे देखो गाइस कितनी सुंदर सुंदर दुकानें सजी हैं, ये देखो गाइस पूर्णागिरी माता का, यहाँ देखो गाइस, ये देखो गाइस कुछ कुछ दुकानें तो बंद हैं क्योंकि मेले के लिए तैयारी कर रहे हैं बाकी लोग, और कुछ खुली हैं क्योंकि आजकल भीड़ नहीं होती है तो कमी होती है खुली। ये देखो गाइस यहाँ पे बन रखा है, नीचे दुकानें लगती होंगी, ऊपर रहने के लिए बना रखा है। देखो गाइस टीन का कितना सुंदर बना रखा है ये देखो, और यहाँ भी गाड़ी पार्किंग कर रखी है। और यहाँ पे देखो यू भी थक गया, हाँ टॉफी खाएगा, ये देखो गाइस यू भी बोल रहा है टॉफी खानी है उसको, लाल टॉफी। देखो यहाँ से गेट स्टार्ट हो चुका है और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, और ये देखो यहाँ पे फूल भी हैं, और ये देखो सारी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर रखी है। देखो गाइस यहाँ से जो सवारी आते हैं, बहुत दूर है घंटी, अंदर है भी नहीं बजाने वाला, उसके खाली है अंदर है बहुत। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट हो चुका है अब मंदिर का गेट, प्रवेश द्वार, और यहाँ है नीचे भैरव मंदिर। तो गाइस नीचे को आए यहाँ को भैरव मंदिर, और अब हम लोग जाएंगे इधर को। ये देखो गाइस अब यहाँ से है सीधी चढ़ाई, मंदिर पहुँचने तक सीधी चढ़ाई है गाइस। देखो ये लोग आ गए हैं मंदिर से पूजा पाठ करके, तो यहाँ पे खा रहे हैं ये लोग खाना, अभी इनका खाना पीना हो रहा है। यूवी भी आए तो पैदल चल रहा है ना, यूवी दौड़ी दौड़ी कर रहा है यूवी। देखो गाइस यूवी पे इतना चल रहा है आज, और हाथ भी नहीं पकड़ने दे रहा है यूवी को। देखो ये देखो गाइस अभी तो यूवी के बाल कटने वाले हैं, यूवी टकलू बनने वाला है, किनारे नहीं। ये देखो गाइस यूवी को, और पता हाथ भी नहीं लगाने दे रहा है, ये बोल रहा है कि मैं अपने आप चलूँगा, लेकिन सीढ़ियों में चल रहा है तो डर भी लग रही है, धक्के लग रहे हैं। और गाने भी लगे हैं तो जगह जगह यूवी ना डांस भी कर रहा है, नाची नाची कर रहा है। देखो गाइस छोटे बड़े ये देखो यहाँ पे बैठे हैं, और सभी लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं और फोटो खींच रहे हैं। ये देखो गाइस सभी लोग फोटो भी खींच रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं छोटे भोले के साथ। गाइस शिव पार्वती और यह है शेरावाली माता की। देखो गाइस यहाँ पे जय माता दी, जय गधे शेर, जय जय बोल दे, जय कर क्या, जय कर क्या शेर का होगा, पेप्सी मेरे को दे फिर करना चाहिए, जय कर दे, यहीं से हाथ जोड़ दे फिर, जय बोल दे, जय भगवान बोल दे, आ जा फिर चल जाते हैं, आ जा। ये देखो गाइस यू भी जाने लग गया है, जय कर दे फिर, गणपति बापा मोरिया। ये देखो गाइस जिन लोगों की पूजा जा रही है, और ये देखो बकरी लेके जा रहे हैं, ये देखो दोनों भैया छोटे छोटे, ये देखो फूल माला पहना के लेके आए।
देखो इतनी दूर चल के आए हैं नीचे से, ये देखो दौड़ लगा रहा है, गिर रहा है, दौड़ लगा रहा है पर गोदी नहीं आ रहा है। अब देखो ये गाइस इतनी ताकत आई है यूपी को, बॉडी बना रहा है। देखो गाइस यूपी बोला कि मैं बॉडी बना रहा हूँ, वो देखो इतने आगे पहुँच गया है। अब इधर से थोड़ी दूर में है मंदिर, अब हम पहुँचने वाले हैं। ये देखो गाइस यूपी को, और यू भी जहाँ पे भी खिलौने देख रहे हैं ना तो बोल रहा है कि खिलौने ही लेने। ये देखो गाइस नीचे ऐसी खाई है इधर, और ये देखो नीचे इतनी ऊंचाई में है पूर्णागिरी माता का मंदिर, और ये लोग खाने भी लग गए हैं पूजा पाठ करके, और हम लोग जा रहे हैं। यू भी देखो नमस्ते करने के लिए आ गया। जीतते रहना, बड़ा बड़ा होना है मत्ते, बच्ची रहो बस, जवान जवान मत्ते कर दिया ना यू भी ने। ये देखो गाइस, और वो उधर दिख रही है शारदा नदी, देखो गाइस वो देखो गाइस शारदा नदी दिख रही है। आज हम लोग पहुंचने ही वाले हैं मंदिर पे, थोड़ी दूर है यहाँ से, और यू भी ना बहुत चल गया है, जिस इतना छोटा है लेकिन चल बहुत गया है पैदल पैदल, और गोद में भी नहीं आ रहा है, बोल रहा है कि मैं पैदल ही चलूँगा। पर जहाँ जहाँ पे ना उसको दुकान मिल गई ना खिलौने की, तो बोल रहा है कि खिलौने भी लेने हैं साथ साथ में, तो अभी तो नहीं लिया हमने कुछ भी, क्योंकि अभी हमको मंदिर में जाना था। जब हम लोग वापस आएंगे उस समय लेंगे, आते समय। अभी मंदिर में दर्शन करके आते हैं, पूजा पाठ करके आते हैं, उसके बाद आते समय लेंगे। बस थोड़ी दूर में है, बस पहुंचने वाले हैं। और गाइस यूवी भी ना बहुत चलने लग गया है ज़्यादा ही, और ना मैं आपको दिखाती हूँ अभी यूवी को, और पीछे साइड में ना शारदा नदी भी दिख रही है, मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी साफ तो नहीं दिख रही है। हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर में, और यहाँ पर देखो पूजा पाठ हो रही है, अभी हम लोग भी जाते हैं। ये देखो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे पूजा पाठ कर लिया है, और अब जा रहे हैं नीचे को, और यूवी ने भी देखो बांध लिया है। जय माता दी, जय माता दी बोल दे, जय माता दी ना। तो गाइस हम लोग दर्शन भी कर दिए हैं और पाठ वगैरह कर दिया है, अब जाते हैं घर की तरफ को। तो गाइस नीचे यहाँ पे सब लोग लाइन में लगे हुए हैं पाठ करने के लिए, और यहाँ पे फ़ोटो शूट भी कर रहे हैं, और हम लोगों ने तो पाठ वगैरह कर दिया है। और मैं आपको दिखाती हूँ इधर, देखो यहाँ है शारदा नदी, ये देखो गाइस नीचे। ये देखो गाइस ये देखो गाइस इतनी ऊंची में चोटी में है माता पूर्णागिरी का मंदिर, और ये देखो गाइस नदी। देखो यहाँ पे मुंडन कर रहे हैं छोटे बच्चे का, और इसके बाद करेंगे यूवी का, यूवी को भी टकलू बनाएंगे। ये देखो गाइस मेरी टकलू होगी, खाली बाल काटेंगे। अब इनके बाद हम बैठेंगे यहाँ पे। हम लोग पहुँच गए हैं नीचे, आ गए हैं मंदिर से, तो यहाँ पे यूवी का कर रहे हैं अभी मुंडन, यूवी के बाल काटेंगे, और अभी यहाँ पे काट रहे हैं, ये देखो। इसके बाद यूवी को काटेंगे, काटेंगे बाल, काटेंगे क्यों दर्द हो रही है? तो गाइस यू भी बोल रहा है कि बालों में दर्द हो रही है, यहाँ देखो। तो गाइस यू भी की पेप्सी लेके गया मंकी, तो गाइस यू भी ने पेप्सी पकड़ी थी, और यू भी के हाथ से ना बंदर उठा के ले गया, यू भी को पता ही नहीं चला। कौन ले गया पापा, यहाँ देखिए बता दे कौन बंदर ले गया ना, पेप्सी ले गया यू भी की। तो गाइस यूवी की पेप्सी लेके चले गया बंदर ऊपर छत में, और यूवी को पता ही नहीं चला, यूवी बोल रहा कि कहाँ गई, हो गई ऊपर ले गया ना। तो गाइस अब यूवी के बाल कटवाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे।
तो गाइस यू भी के हम लोग बाल काटने लग गए हैं। देखो ये भैया काट रहे हैं, अभी मुंडन कर रहे हैं, और यू भी देखो चुपचाप से बैठा रही हुई। दर्द हो रही है भैया? नहीं हो रही है, बोला रही हूँ। यू भी क्या बनेगा अब? टकलू बन रहा है ना यू भी। अब यू भी के भी बाल नहीं है ना, अब बाल बनाने में दर्द नहीं होगी ना, दादा के जैसे होंगे ना। ये भी बाल नहीं बनाने देता है ना घर में। मुझे हिलना नहीं, हिलना नहीं, रुक जा, हिल मत। ज़्यादा अगले माथा हो जाएगा, इधर देखो बेटा। आगे ज़्यादा गाली में माथा अगले ज़्यादा हो जाएगा। इधर देख टकलू, यहाँ देख, पापा को देख। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये देखो गाइस भैरव मंदिर है ये, तो दर्शन करके अब हम लोग जाते हैं घर की तरफ को। इंसानी हो रखी है यहाँ पे, क्योंकि अब थोड़े दिनों बाद, एक दो महीने बाद मेला लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर भीड़ हो जाएगी काफ़ी। आजकल तो खाली खाली है, लेकिन मंदिर में तो फिर भी है ही भीड़, और यहाँ रोड में तो खाली खाली है। मौसम भी अभी ठंडा हो गया है, आते समय तो यहाँ पे अच्छा हो रहा था, गर्म हो रहा था, अब ठंडा होने लग गया है। तो अभी बैग से निकाल लेते हैं टोपी शॉल वगैरह, क्योंकि यूवी को ना अब शॉल से ढक के ले जाना पड़ेगा, नहीं तो उसको ठंडा लग जाएगा। एक तो उसके हमने बाल भी काट रखे हैं, तो वो बन गया है अभी टकलू। वैसे तो हमने उसको टोपी पहना रखी है, लेकिन फिर भी ठंडा लग जाएगा गाड़ी की हवा से। और वैसे भी हल्की फुल्की उसको खांसी हुई थी, अभी भी खांसी सही नहीं हुई है। तो अभी उसको शॉल से लपेटती हूँ अब मैं, और टोपी भी पहनाती हूँ, और अब चलते हैं हम सीधे घर को। और यहाँ देखो आजकल सुनसान हो रखा है रोड में, खाली खाली हुई है, क्योंकि जब तक मेला नहीं लगेगा तो मतलब खाली रहता। मंदिर में तो भीड़ है वैसे, क्योंकि आ रहे हैं जा रहे हैं बहुत सारे, हुए हैं भीड़। और अब हम गाड़ी के पास में भी पहुंच चुके हैं, यहाँ पे है हमारी गाड़ी पार्क करी थी हमने। और हमने ना इतनी दूर गाड़ी पार्क करी थी, हमको पता ही नहीं था कि इतनी दूर गाड़ी पार्किंग है करके। हमने सोचा आगे इधर ही से जाना है, मंदिर का गेट है, लेकिन मंदिर का गेट यहाँ पर था नहीं, मिला। तो गाइस यू भी बोल रहा है कि गाड़ी मिला, ये देखो गाइस
कहाँ है यूपी की गाड़ी? ये है कि ये है? कौन सी गाड़ी है यूपी की? नीला। देखो गाइस यूपी को गाड़ी मिल गई है और ये गए हैं अभी हेलमेट लेने के लिए। क्या ये देखो गाइस यूपी ने ना मंदिर से ये गाड़ी ली है, दिखा दे। मैंने गाड़ी लिया बोल, दिखा दे उधर। मोस्टर ट्रक लिए रखा है ना यूपी ने। तो गाइस यूपी ने देखो आज मेले से लेके आया है मंदिर से मोस्टर ट्रक। घर में चलाएगा ना, घर में चलाएगा, इधर ही चलाने लग गया है वो। देख गाड़ी भी गई, ठीक है मोस्टर ट्रक। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं घर को, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो अभी हम लोग टनकपुर से पहले रुके हुए हैं और आपको मैं यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, और वो है शारदा नदी, वहाँ से आ रही है। ये देखो गाइस, ये देखो देखने से भी डर लग रहा है, पानी इतना नीला पानी रखा है और डर लग रहा है। और गाइस देखो यही इधर ही पास में यहाँ घर भी हैं। देखो ये देखो गाइस इधर घर है यहाँ पे। ये देखो गाइस इधर पे घर है ये सामने में, और यहाँ देखो ये नदी बह रही है नीचे को, और यहाँ देखो गाइस ये नीचे। मुझे डर भी लग रहा है यहाँ पे से दिखाने में भी। ये देखो गाइस, और आगे वो उधर छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल से भी घर जा रहे हैं। देखो गाइस मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, वो देखो गाइस वहाँ पे शायद आप लोगों को दिख भी रहे होंगे, वहाँ पे हल्के हल्के छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल से घर जा रहे हैं वो लोग, वो नदी के पास में हैं। ये देखो गाइस अब जाते हैं हम घर को और आपसे मिलते हैं बाद में। हम लोग पहुँच चुके हैं घर में और यूवी देखो अभी तक सोया था, ये उठ गया है अब, अभी ये उठा है। जैसे हम लोग घर में पहुँचे तो वैसे ही उठ गया देखो ये, और ये गाड़ी चलाने लग गया, मोस्टर ट्रक चलाने लग गया ना। कहाँ से लेके आया? पहाड़ से लेके आया। और अपना टकलू दिखा दे, अपना टकलू दिखा दे उधर, दिखा दे ऐसे। ये देखो गाइस मैं टकलू बन गया बोल दे ऐसे। ये देखो ये भी टकलू बन गया, देखो कैसा लग रहा है हमारा यूवी। और गाइस यूवी पता है इतना पैदल चला था ना, 2.5 साल का बच्चा है लेकिन इतना पैदल चला क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ही ज़्यादा पैदल चला था। और फिर आते समय तो बेचारा थक गया था, जैसे गाड़ी में बैठा था वैसे ही सो गया था। और हम लोग अभी तो पहुँच गए हैं घर में, और अभी पाँव में ना बहुत दर्द हो गई चलते चलते, बहुत थकान हो गई है। हाँ यूवी गाड़ी चला रहा है अब, और यूवी का हमारा टकलू बाल नहीं बनाने देता था ये, और अब इसको बाल नहीं बनाने पड़ेंगे ना। हाँ अब कैसा लग रहा है बाबा? अच्छा लग रहा है, वहाँ देख के बोल मेरे को अच्छा लग रहा है, ये मेरी गाड़ी है बोल दे। वो देख टक बाय कर दे फिर, यहाँ देख के, यहाँ देख तो। देख गाइस यूवी हमारा टकलू बन गया गोल गोल, देखो छोटा सा पुटकू पुटकू, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बाय कर दे फिर। मैं टकलू बन गया बोल, मैं टकलू बन गया। मम्मा टकलू, मम्मा थोड़ी बनी, मम्मा के तो बाल है, यूवी के टकलू बन गया मम्मा का। मेरी मम्मा देखा ये भी छोटा बेबी टकलू, और ये रोया भी नहीं, परेशान भी नहीं किया इसने, और कतई नहीं रोया हमारा टकलू बेबी ना बाबा। ये भी तो अच्छा बच्चा है, और कोई कोई बच्चे तो इतना रो रहे थे ना कि मतलब मुंडन नहीं कराने देते, अपने बाल नहीं कटवाने देते। और जैसे यूवी को वहाँ पे बिठाला तो यूवी ऐसे सर झुका के वहाँ पे बैठ गया था, और इसने एक बार भी चिल्लाया भी नहीं, बोला था कि अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है। लेकिन जब यहाँ किनारे के बाल निकाले थे तो उस टाइम शायद थोड़ा गुदगुदी लग रही थी ना। हाँ और गाइज यू भी बोल रहा है कि बंदर ने मेरी पेप्सी छीन ली थी, क्योंकि यू भी ना जैसे हम लोग वहाँ पे बैठे थे इंतज़ार में बैठे थे, हमारा नंबर नहीं आया था बाल कटवाने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग बैठे थे तो पीछे से यूवी के हाथ से ना बंदर उठा के ले गया पेप्सी, और यूवी को पता ही नहीं चला, वो छत में उठा के चले गया था ना, बंदर ले गया ना पेप्सी यूवी की। और आज से अब यूवी को ना बाल नहीं बनाने पड़ेंगे,
और फिर यू भी स्कूल भी जाएगा एक दो महीने बाद ना, नहीं टूटती है वो। तो गाइज अब हम लोग इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और अब मैं भी करती हूँ और काम, शाम हो चुकी है और अभी बज रहे हैं शाम के 5:15 बज चुके हैं, तो हम लोग तो घर पहुँच गए अब। तो अब करते हैं शाम के खाने की तैयारी। इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ, आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तब तक का अगले बाय 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 बोल दे, बाय बोल दे, फिर बाय बाय ऐसे बोल दे, बाय 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 गाइज।